हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज फाइंडिंग आउट इनकरेक्ट सेंटेंसेस आस्क्ड इन द आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एंड पीओ एग्जामिनेशंस। आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 4 सेंटेंसेज दिए जाते हैं ए बी सी डी और एक ऑप्शन ई होता है जिसमें ऑल आर करेक्ट। इन 4 सेंटेंसेस में से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली या कंटेक्चुअली रॉन्ग है, तो उसे फाइंड आउट करना है। हो सकता है कि इनकरेक्ट ना हो, तो फिर आपका आंसर नंबर ई होगा, ऑल आर करेक्ट। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में सेंटेंस नंबर ए जो है, He argued that the new policy was bound to drive the economy into recession. Argued introductory verb आपका past है, तो that clause यानी noun clause की क्रिया भी देखिए उसके corresponding past में जा रही है। To drive the economy, drive लेकर कहाँ जाना, तो inside यानी entry का sense आ रहा है और entry के लिए preposition भी आपका बिल्कुल correct है, यानी no error। Sentence number A is grammatically एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर बी, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट्स दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 ईयर्स। नंबर सी है स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड, एंड बी और सी में आपको एक नाउन मिल रहा है स्टैटिस्टिक्स। इसके दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है द नंबर्स और द डाटा गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी सेंस आता है इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। और दूसरा अर्थ आता है एक सब्जेक्ट के रूप में, दैट इज द साइंस ऑफ गिविंग डाटा और नंबर्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी यहां यूनिट के रूप में आता है। अब गौर से देखिए, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 ईयर्स, यानी यहां सजेस्ट क्रिया इसे सिंगुलर मानकर दी गई है, जबकि यहां ये प्लूरल सेंस में आ रहा है। द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सेंटेंस नंबर बी इज नंबर्स और डाटा गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी इंडिविजुअल पीसेस का सेंस आ रहा है, तो ये आपका प्लूरल है, तो क्रिया आपकी सजेस्ट रॉन्ग है। यहां मेन वर्ब नंबर 1 आपका करेक्ट वर्ब होगा, यानी सजेस्ट। इट मीन्स सेंटेंस नंबर बी इज इनकरेक्ट। तो चलिए, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट हो गया। द इनकरेक्ट सेंटेंस इज नंबर बी, स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट, सजेस्ट्स के जगह पर सजेस्ट क्रिया होनी चाहिए। सो स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 ईयर्स। नंबर सी में स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स, यहां आपका ये साइंस के रूप में आ रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन देता है, डाटा देता है, यानी एक यूनिट के रूप में आ रहा है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ ये क्रिया बिल्कुल करेक्ट है। सिंगुलर सेंस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सेंस प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, इसलिए इनकरेक्ट हुआ। सो नंबर सी आपका बिल्कुल सही जा रहा है, स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स द रीजनिंग एंड मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डाटा। ये डाटा से भी क्लियर आ रहा है कि द साइंस प्रोवाइडिंग सम डाटा अबाउट समथिंग, और यहाँ पॉपुलेशन ऑफ दिस टाउन विल डबल इन 5 ईयर्स का अर्थ आ रहा है कि भाई एक आंकड़ा, एक नंबर तो होगा द रेट ऑफ बर्थ, दूसरा द रेट ऑफ डेथ, तीसरा, चौथा, बहुत सारे इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, इंडिविजुअल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर डी, आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। आपका लाइक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब जीरंड होता है, सो करेक्ट है। बिकॉज, क्यों, द नॉइज आउटसाइड, यहां डिडंट आपका पास्ट टेंस है, वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, All are correct, ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि we have found one incorrect sentence, that is sentence number B. Hence, number A, C, D and E are easily eliminated. Question number 2, sentence number A, it was a tremendous coup. भाई किस लिए, किसके लिए, purpose for the local paper, क्या करने के लिए, टू गेट एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विथ, किसके साथ, विथ प्रिंस चार्ल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ इवेंट है तो
पास्ट वर्ब करेक्ट है, पर्पस दिखाने के लिए प्रीपोजिशन फॉर करेक्ट है, जब भी वर्ब से व्हाट का क्या का आंसर आए तो फिर इन्फिनेटिव वर्ब भी करेक्ट है, और अटैचमेंट कंपनी के लिए प्रीपोजिशन विद भी करेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस नंबर ए हैज़ नो ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल एरर। लेट्स एग्जामिन सेंटेंस नंबर बी, देयर इज एन इथिकल इंपेरेटिव, क्या करने के लिए, तो फिर देखिए इन्फिनिटिव वर्ब है, नॉट टू डिस्ट्रॉय क्या, तो ऑब्जेक्ट है द वंडरफुल डाइवर्सिटी, किस चीज का, तो ऑफ लाइफ, कहाँ, ऑन अर्थ। जब भी अर्थ होम के सेंस में आता है, निवास के सेंस में आता है, तो प्रीपोजिशन ऑन आपका करेक्ट है। कनेक्शन या रिलेशन के लिए प्रीपोजिशन ऑफ भी करेक्ट है। क्या का जवाब वर्ब से आ रहा है तो इन्फिनिटिव वर्ब भी आपका करेक्ट है। द वंडरफुल डाइवर्सिटी आपका क्रिया, आपका वर्ब डिस्ट्रॉय ट्रांजिटिव है, तो किसी प्रीपोजिशन के बिना सीधे ऑब्जेक्ट का आना भी बिल्कुल सही है। सो सेंटेंस नंबर बी इज ऑल्सो ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। नंबर सी को एग्जामिन करें, द अमाउंट ऑफ पेपर प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इज क्लोजली रिलेटेड, मोशन टुवर्ड्स जा रहा है तो टू किस से, तो इट्स कल्चरल, कंट्री के लिए आपका इट्स भी करेक्ट है। कल्चरल स्टैंडर्ड्स यानी आपका रिलेशन ऑफ से, बाय एजेंट दिखाने के लिए बाय, क्लोजली रिलेटेड मोशन टुवर्ड्स के लिए टू, एंड कंट्री के लिए आपका पजेसिव इट्स, ये सारे के सारे करेक्ट हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो स्टूडेंट सेंटेंस नंबर सी इज ऑल्सो बोथ ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। अब तो आपका आंसर सीधे डी हो गया, क्योंकि सारे करेक्ट मिले हैं, तो आपके आंसर्स ए बी सी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। सेंटेंस नंबर डी को पढ़कर देखते हैं कि कहाँ एरर है। वी स्ट्रांगली इनकरेज बाई किसे, स्कूल्स, किसी भी स्कूल के लिए सेंस है तो आ करेक्ट है। स्कूल सपोर्ट, यहाँ चूंकि स्कूल का अर्थ स्कूल नहीं बल्कि ह्यूमन कंसर्न है, यानी स्टूडेंट्स को दिखा रहा है, पार्टिसिपेंट्स को दिखा रहा है, तो यानी ये आपका करेक्ट है। स्कूल सपोर्ट एंड टीचर्स, गौर से देखें स्टूडेंट्स, आपका ये टीचर्स, स्कूल में एक टीचर तो होंगे नहीं, एक से ज़्यादा होंगे, तो टीचर्स यानी यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इसे होना चाहिए था टीचर्स, चूंकि वाइड सेंस में, जनरल सेंस में आता है, इसके पहले किसी आर्टिकल यानी द की जरूरत नहीं है। अब टीचर्स को गौर से देखें तो लास्ट में एस और उसके पहले आर कॉन्सोनेंट है। जब भी किसी वर्ड के अंत में एस हो और उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ अपोस्ट्रॉफी के बाद एस देने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केवल अपोस्ट्रॉफी चाहिए, यानी आपका टीचर्स इज द रॉन्ग वर्ड हियर, द करेक्ट शुड बी टीचर्स अपोस्ट्रॉफी। Participation to maximize the performance, hence the sentence D is absolutely wrong, both grammatically and contextually. आपका स्कूल नॉन ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन थिंग apostrophe एस नहीं लेता, लेकिन जब नॉन ह्यूमन थिंग ह्यूमन कंसर्न दिखाता हो तो फिर वो apostrophe एस जरूर लेगा। सो इट्स ए करेक्ट। वी स्ट्रांगली एनकरेज ए स्कूल सपोर्ट एंड टीचर्स पार्टिसिपेशन, किस लिए, तो टू मैक्सिमाइज, जब भी वर्ब से क्या या क्यों का जवाब आता है तो इन्फिनिटिव होना चाहिए, टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टू मैक्सिमाइज करेक्ट है, स्कूल सपोर्ट करेक्ट है, लेकिन टीचर्स पार्टिसिपेशन में आर के बाद एपोस्ट्रॉफी एस गलत है, सबसे पहले प्लूरल टीचर्स, देन एपोस्ट्रॉफी टीचर्स परफॉर्मेंस पार्टिसिपेशन। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री। सेंटेंस नंबर ए, टॉम वॉज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, मीन्स एक प्लानिंग हो चुकी थी उस डिपार्टमेंट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, किसे ट्रांसफर कर देना है। सो गोइंग टू बहुत ही सही वर्ब है, ये एक इवेंट है तो पास्ट भी बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी वॉज गोइंग टू, और चूंकि ये किया जाएगा संस्था के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो पैसिव टू बी ट्रांसफर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। सो टॉम वॉज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, कहाँ, तो डेस्टिनेशन दिखाने के लिए टू भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, टू बोस्टन, कंट्रास्ट तो बट करेक्ट है, बट दे मीन्स ऑर्गेनाइजेशन,
जब भी किसी के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट के लिए अदर पीपल बात करेंगे तो उनके लिए दे, और खुद संस्था वालों में से कोई एक बात करता है तो वी का प्रयोग किया जाता है, यानी दे भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दे डिसाइडेड टू फायर हिम, टर्मिनेट हिम इन स्टीड, ये एडवर्ब इन स्टीड भी बिल्कुल करेक्ट है। दिस सेंटेंस हैज गॉट नो ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल एरर। सेंटेंस नंबर बी को एग्जामिन करते हैं। इफ द यूनिवर्सिटी डजंट हैव इनफ स्टूडेंट्स, पर्याप्त जितना में क्लास कंडक्ट किया जा सके नहीं है, इनफ एडिक्वेसी दिखलाता है, द एडमिनिस्ट्रेशन, तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन, द एडमिनिस्ट्रेशन विल कैंसिल द क्लास, यानी इस सेंटेंस में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि ऐसा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करेक्ट है, तो ऐसा होगा, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज में कभी विल सेल का प्रयोग नहीं होता, प्रिंसिपल क्लॉज में विल सेल होता है, सो दिस इज करेक्ट। सेंटेंस नंबर बी इज दस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। स्टूडेंट्स लेट अस कम टू सेंटेंस नंबर सी। द पुलिस मेड द विटनेस एक्सप्लेन, आपका मेड कॉजिटिव वर्ब है, इवेंट है तो पास्ट बिल्कुल करेक्ट है। पॉजिटिव वर्ब जब भी एक्टिव वॉइस में होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद आने वाली क्रिया बेयर इन्फिनिटिव भी करेक्ट है। एक्सप्लेन क्या, कैसे, तो इन डिटेल, ये भी फ्रेज आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। क्या, तो हाउ द एक्सीडेंट हैड हैपेंड, तो मेड के पहले एक्सीडेंट हुआ, काउज करने के पहले, विटनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, इंस्पायर करने के पहले एक्सीडेंट हुआ, तो पास्ट इन पास्ट के अनुसार had happened, यानी past perfect का भी प्रयोग बिल्कुल सही है। Thus students number C, sentence number C is also both grammatically and contextually correct. अभी तक कहीं incorrect sentence नहीं मिला है। Number D, past experience constitutes, चूंकि sense आपका general है, एक general fact दे रहा है, general truth दे रहा है, यानी universal fact की तरह treat करेंगे, तो experience एक uncountable noun, अतः इसके पहले किसी article का प्रयोग नहीं होना, बिल्कुल सही है। So past experience, third person सिंगुलर, तो कंस्टिट्यूट क्रिया भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। कंस्टिट्यूट्स अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या करने के लिए, तो क्या का जवाब जब भी वर्ब से हो तो इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग भी बिल्कुल सही है। टू एस्टैब्लिश क्या, द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइन, नोटेड, नोटेड के अनुसार यह पूरा फ्रेज पर्टिकुलराइज्ड हो रहा है, यानी द का प्रयोग भी यहां बिल्कुल सही है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंस नोटेड, दस आपका A, B, C एंड D, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, सो आपका ऑप्शन होगा E, ऑल आर करेक्ट। A, B, C एंड D ऑप्शंस आर इजिली एलिमिनेटेड। इस तरह से इफ यू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑन ईच पार्ट ऑफ अ स्पीच, आपका कंसंट्रेशन, आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, इट विल बी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम for you to find out the incorrect sentences. आज इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।